आप देख रहे हैं बीजापुर इन्फो, मैं आपके साथ जाफर कलादगी। बीजापुर शहर के हुतात्मा सर्कल जो मीनाक्षी चौक के नाम से जाना जाता है, यहाँ वी द पीपल ऑफ इंडिया संगठन द्वारा कोरोना से संक्रमित होकर अपनी जान गंवाने वाले, अपने घरों को वापस लौट रहे प्रवासी मजदूर, लॉकडाउन के समय में अन्य वजहों से अपनी जान गंवाने वाले लोगों के लिए चंद वक्त मौन रखते हुए इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही सभी कोरोना संक्रमितों को अच्छे से अच्छा इलाज उपलब्ध कराने की सरकार से मांग भी की। इस मौके पर राजनेता श्रीनाथ पुजारी, जर्नलिस्ट इरफान शेख, सिद्धलिंग बागेवाड़ी, अकरम माशालकर, सदानंद मोदी, कल्पना पोल और कई अन्य प्रगतिशील संगठनों के पदाधिकारी रहे मौजूद। रावनी हरकत कर रही है क्योंकि इसको एक रेड बोर्ड लगाकर जो प्राइवेट दवाखाने हैं उनको एक रेट लगाकर, मैं सुना हूँ बीजापुर के हमें 4 लाख रुपए रेट लगाए और कोई डॉक्टर 10,000 रुपए में एक इंजेक्शन कर रहा है। ये बीजापुर की हालत बोल रहा हूँ मैं। ये सरकार ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दे और जो लोग कोरोना के अंदर आए हुए हैं उनको फ्री में, सरकार क्या कर रही है, ये जो बीमारी है इसका सही इलाज ढूंढ के निकालने की कोशिश करें, नहीं तो उनको सही तरीके से ट्रीटमेंट भी दिया तो ये पेशेंट अच्छा होता है, ऐसे भी देखने में आया है। और यहाँ पर उनकी याद है, जो गुजर गए हैं हमारी से चले गए हैं उनकी याद में आज ये यहाँ शाम में जो हम ये प्रोग्राम रखे हैं इसके लिए हमारे श्रीकांत बहुत कोशिश कर ये श्रद्धांजलि का प्रोग्राम रखे हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम हमारे जो प्रगतिपुरा संगठन के जिम्मेदार यहाँ आए हैं, आप तमाम भी आए हैं, सबका शुक्रिया अदा करते हैं। आज बीजापुर के हुतात्मा चौक में वी द पीपल ऑफ इंडिया संगठन से जो लोग कोरोना महामारी से इंतकाल कर गए और जो लोग चलते चलते जो हमारे असंगठित कार्मिक थे चलते चलते रास्ते में मर गए, बच्चे मर गए, बूढ़े मर गए, जो बिना इलाज के मर गए, भुखमरी से मर गए, तो इन तमाम लोगों के लिए आज हमने 1 मिनट का मौन रखते हुए उनको श्रद्धांजलि दी और दुआ की कि उनके आत्मा को शांति मिले। ये हमारे वी द पीपल ऑफ इंडिया से सुबह हम लोगों ने एक मनवी भी दी है डीसी को, डीसी के थ्रू हमारे सीएम साहब को, कि गरीबों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले और जो मौतें हो रही है वो रुके, ऐसा कोई इंतज़ाम करने के लिए हमने मनवी दी है, तो इस मनवी पे इम्प्लीमेंट होगा ऐसा हमें भरोसा है। वी द पीपल ऑफ इंडिया ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಬ್ಯಾನರ್ದಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ದಿನ ಏನು ಮಾಡಿದೆವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹಲವಾರು ದುರ್ಘಟನೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಹಸುವಿನಿಂದ ನಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಸೇರುವ ತವಕದಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಏನು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೋ ಆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಈ ದಿನ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ। ಈ ಕೊರೋನಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೋಗ ಇಷ್ಟು ಭಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀಡಿಯಾಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಭಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಂದೂ ಕೂಡ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಸಂಘಟನೆ ಮೂಲಕ ಮೌನಾಚರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಅಗಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ।